आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको एक गुड न्यूज देने वाले हैं और एक बैड न्यूज देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैड न्यूज की ही बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त 2022 को एक केस की हियरिंग थी। केस ये था कि महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉन्ड है 1 ईयर और 10 लाख का, वो खत्म कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में रिफ्यूज कर दिया है कि ये बॉन्ड खत्म नहीं होगा। ये स्टेट की कंडीशन है, स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में बॉन्ड लागू कर सकता है, तो ये बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा। अभी कंडीशन ये थी कि जो भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेता है या स्टेट कोटा से एडमिशन लेता है, तो उसके लिए बॉन्ड होता है। जैसे किसी स्टेट में 5 ईयर रूरल सर्विस है, किसी स्टेट में 2 ईयर है, किसी स्टेट में 1 ईयर है, तो आपको एमबीबीएस करने के बाद में ये बॉन्ड पे करना होता है। बॉन्ड का मतलब ये है कि आप या तो रूरल सर्विस करेंगे वहां पर, अदरवाइज जो पेनल्टी है वहां की 10 लाख 5 लाख 2 लाख, वो आपको पे करनी होगी। तो ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग कंडीशन है। तो ये बैड न्यूज इसलिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये कहा कि ये बॉन्ड खत्म नहीं हो सकता है, तो ये बाकी स्टेट में भी एज इट इज लागू रहेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन देता तो बाकी स्टेट में भी ये बॉन्ड की कंडीशन हट जानी थी, लेकिन अभी एज इट इज लागू रहेंगी। तो ये स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है ये जानना चाहते हैं, तो आप इसमें हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं। इसमें मैंने स्टेट वाइज सर्विस बॉन्ड के बारे में बता रखा है, फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, इसके बाद 3 इयर्स की कट ऑफ दे रखी है, इसके बाद ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, सभी प्रकार की बुक अवेलेबल है इसमें, प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का, ये सारा सब कुछ अच्छी तरह से समझा रखा है। तो आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये तो थी जो बैड न्यूज मैंने आपको बताई कि बॉन्ड जो है वो एज इट इज लागू रहेगा एमबीबीएस के लिए या पीजी के लिए, दोनों कंडीशन में। अब गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जो काउंसलिंग चलेंगी यूजी और पीजी, उनके लिए कंडीशन सेम रहती हैं। मतलब कि जो प्राइवेट सीट 50% होने हैं वो यूजी के लिए भी होने हैं और पीजी के लिए भी होने हैं। अभी इनका जो केस चल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में 50% वाला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस का केस चल रहा है। तो ये दोनों के लिए ही है, यूजी और पीजी दोनों के लिए है। लेकिन अभी एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पीजी की काउंसलिंग है वो 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। मतलब ये साफ है कि 1 सितंबर 2022 से पहले पहले ये जो दो केस चल रहे हैं काउंसलिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है 50% वाला, और एक ईडब्ल्यूएस का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसकी हियरिंग 17 अगस्त 2022 को है, और 16 अगस्त को तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में 50% जो सीट से प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस की उसका है। तो ये दोनों जो केस हैं वो इस बार काउंसलिंग पर इफेक्ट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि जब पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है, तो यूजी की भी काउंसलिंग लेट नहीं होगी। चाहे इनका केस का डिसीजन कुछ भी रहे, लेकिन ये काउंसलिंग में डिले नहीं होगा। जब पीजी में डिले नहीं होगा तो यूजी में भी डिले नहीं होगा। ये एक स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, एक बैड न्यूज भी बता दी है और एक एक गुड न्यूज भी बता दी है। बैड न्यूज ये है कि एमबीबीएस का बॉन्ड पे करना ही होगा, और गुड न्यूज ये है कि इस बार काउंसलिंग में कोई लेट नहीं होगा, समय से काउंसलिंग होगी। तो ये अपडेट्स थी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलेगी। तो स्टेट की काउंसलिंग की अपडेट भी यहां से मिलेगी आपको, और ऑल इंडिया की काउंसलिंग की अपडेट भी आपको यहां से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक या शेयर करें, आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका अपडेट हमारे इस चैनल से मिल जाए, आपके लिए कोई अच्छी बात हमारे इस चैनल से मिल जाए।